हमारा दिल्ली में पहला दिन और हमने ना डिसाइड किया कि हम ना ऐसे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाएंगे, हम ना ऐसे जगह जगह जो फेमस दिल्ली का स्ट्रीट फूड है ना वो एंजॉय करेंगे। तो अभी मैं फटाफट जाके नहा लेती हूँ और फिर बाहर जाने के बाद में हम पियेंगे तंदूरी चाय और अच्छा सा नाश्ता करेंगे। अभी मैं रेडी हो जाती हूँ। मम्मी पापा को बोलो ना ये वाला होटल चेंज करने के लिए, उधर करोल बाग की तरफ हम होटल में रहते हैं ना। पापा करोल बाग में रहना तो बस एक बहाना है, असल में तो हमें करोल बाग की स्ट्रीट शॉपिंग को जाना है। चलो। हाँ ठीक है चलो मैं रेडी हो जाती हूँ। ये ऐसे क्यों बैठी है तू? ऐसे ही तो बैठते हैं मेकअप करने के लिए, मिरर इतना दूर था मैं वहां खड़ी थी कैसी दिखता मुझे, इसीलिए मैं आपके बैठ गई एकदम मिरर के सामने। और ये कैसे तरीका है मेकअप करने का? ये मेरा तरीका है मेकअप करने का। देखो मैं ना लैशेज लगा रही हूँ, ये देखो अभी अभी मैंने सीखा है लैशेज लगाना। देखो इसमें नहीं लगाया, इसमें लगाया है। चलो यार जल्दी से। रेडी हो गई हूँ मैं, चलो अभी हम लोग है ना जल्दी से निकलते हैं। लेट्स गो। चलो मम्मी पापा जल्दी, लिफ्ट इधर ही है। देखो आपने देखा ना मैं लेट नहीं करती हूँ, मम्मी और पापा ही लेट करते हैं और बाद में बोलते कि तेरी वजह से लेट हुआ। बताओ आपको नाश्ते में क्या खाना है? दिल्ली का कुलचे पराठे। वाह छोले कुलचे और पराठे, हमारा तो फिक्स है। पापा को आने दो। तो हमारे होटल के साइड में है ना, थोड़ा सा आगे चल के आए ना तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर है ना गर्मा गर्म छोले भटूरे बन रहे हैं और कुल्हड़ वाली चाय भी है। तो आज हम है ना छोले भटूरे खाएंगे, वो भी दिल्ली स्टाइल में। आपने बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स को देखा होगा दिल्ली के छोले भटूरे दिखाते हुए, और जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं वो रेस्टोरेंट को भी एक फूड ब्लॉगर ने दिखाया था, पर वो ये बताना भूल गया कि ये दिल्ली के वर्स्ट छोले भटूरे हैं। तो ऐसे ही हमारे दिन की शुरुआत हुई गंदे छोले भटूरे से। तो नाश्ता और चाय हमने पी लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। वहाँ से कहाँ जाना है पप्पा? वहाँ से जाएंगे न्यू दिल्ली जाना है वहाँ से। मैंने कभी मेट्रो से ट्रैवल नहीं किया और आज मैं पहली बार मेट्रो ट्रेन में बैठने वाली थी। आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट जिसने इतनी बड़ी सिटी कभी देखी ही नहीं है उसके लिए हर छोटी छोटी बात बड़ी है। ये देखो ये रहा पीछे दिल्ली का मेट्रो स्टेशन, अभी हमें मेट्रो से जाना है। चलो चलो अंदर। पापा से पूछते हैं हमको कहाँ पे जाना है। इसका फोटो ले लेंगे ना। पापा भी गए देखने के लिए कि हमको कौन से इससे जाना है मेट्रो से। चलो अंदर चलते हैं हम। ठंडा है? हाँ बहुत ठंडा है, बाहर कितनी गर्मी है यहाँ। तो पापा वहाँ पे है ना मेट्रो का टिकट निकाल रहे हैं और हम लोग यहीं पे खड़े हैं। ये क्या है? वो मेट्रो के न्यू कार्ड है, अभी मतलब वो उसको स्वाइप करना और जहाँ उतरना है वहाँ उतर जाना। वाह ये तो मस्त है। रिचार्ज करते रहना और उतर जाना किधर भी। चलो चलो ये मम्मी आपका, सब अपने अपने हाथ में ले लो। ये पापा का और ये मेरा। वाओ देखो ना मैं फर्स्ट टाइम मेट्रो स्टेशन देख रही हूँ, कितना मस्त है। इधर से मेट्रो आने वाली है, ये देखो 3 मिनट में मेट्रो आ रही है। मैंने अभी स्टडी कर लिया पूरा रूट। हाँ ठीक है, स्कैन कर लिया मैंने। ट्रेन आ गई, आ गई आ गई। कितनी फास्ट आई ना। बैठो चालू भी हो गई मेट्रो, देखो जा रहे हम। मम्मी हम है ना मेट्रो में बैठे बैठे पूरे दिल्ली घूम लेंगे। वाह देखो ना मस्त है, और मेट्रो कितनी फास्ट जा रही है। आ गया हमारा स्टेशन न्यू दिल्ली। तो अभी पापा ने बताया कि यहाँ से हमें ना और एक मेट्रो में बैठना है,
यहाँ से हमें और एक मेट्रो में बैठना है। और एक मेट्रो में बैठने का, फिर और चेंज करना है, फिर और एक मेट्रो में बैठने का, फिर वो भी चेंज करना है। बाप रे, मतलब तीन मेट्रो में हमें बैठना है और वो चेंज करना है। हेलो, थैंक यू। तो ऐसे ही हम रील्स बनाते बनाते एंड मेट्रो चेंज करते करते पहुंच गए करोल बाग हमारे होटल में। तो अभी हम लोग आ गए करोल बाग और ये देखो, ये है हमारी रूम। अच्छी है ना, बस इसमें थोड़ी सी लाइट कम है। तो अभी है ना, हम इतनी देर से सोए हुए थे तो मम्मी उठ गई है, तो मम्मी को है ना शाम की चाय चाहिए। तो अभी देखो हमारे पापा चाय बना के दे रहे हैं। चलो पापा बनाओ चाय, पाउडर वाली चाय। हाँ, अब वही पीनी पड़ेगी, क्या करें। ये देखो यहाँ पे पाउडर है, इसकी चाय बनाएंगे। अच्छी बना दे, ऐसे लगना नहीं चाहिए कि हम पाउडर वाली चाय पी रहे हैं। मिल गया इसमें ढेर सारा पानी। फूड ब्लॉगर बन जाती हूँ। हाँ, दूध वाला पाउडर। एक में मैं कॉफी बनाऊंगा और एक में बनाऊंगा मैं चाय। ये नहीं पापा की कॉफी। अच्छा तो लगेगा नहीं है? कैसे दिख रहा है पापा ये? पापा ये बहुत अजीब लग रहा है। अरे चाय जैसी चाय नहीं लग रही क्या? क्या चाय जैसी चाय नहीं लग रही? ये चाय पियेंगे हम। हाँ। पापा मैं कॉफी पीऊंगी। कितनी बढ़िया चाय है वो। चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। ये लो पियो चाय और बताओ कैसी है। हाँ कड़क चाय एकदम, वो दो है उसके अंदर, पी चल। पानी इसमें सिर्फ और क्या है? अरे तो मिल्क पाउडर डाला ना उसके अंदर, दो पैकेट डाला मिल्क पाउडर, और क्या होना। मैंने कभी नहीं पी ऐसी चाय। तू पी तो सही, मजा आ जाएगा। देखो पी के देखो, पी तो सही तू यार। नहीं अच्छी पापा लाओ। ये अमीरों वाली चाय है ये। कुछ भी पीते हैं क्या अमीर लोग? कुछ भी पियेंगे। गरम पानी है वो, गरम पानी। गरम पानी भी अच्छा लगता पीने के लिए। तो परफेक्ट ही। दैट्स वेरी हेल्दी, यू डोंट नो, दैट्स वेरी हेल्दी। कैसे पी सकते हैं चाय को? दैट्स वेरी रिच टी। अमीर लोगों के चोचले। घुट अंदर जा रहा तो पड़ेगा। पीना तो पड़ेगा। नहीं, फॉर एग्जाम्पल देखो पापा ने ना ये चाय बनाई है, अगर मैं बोलूंगी कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट चाय है, तो ये देखने में देखो ना कितनी अच्छी लग रही है। देखने में ना कोई भी फूड अच्छा लगता है, लेकिन है ना एक्चुअल में उतना अच्छा होता नहीं है। जैसे कि ये चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे कि ना ये चाय है, ठीक है, अब इस चाय को ना ऐसे ऐसे दो चार बार हाथ ऊपर करके इसमें उसमें पलटी कर लिया ना, तो 100 लोग और आ जाएंगे चाय पीने के लिए, पता है। तो अभी हम लोग रेडी होकर जा रहे हैं करोल बाग घूमने के लिए, तो मैं आपको भी मेरे साथ लेके चलती हूँ और हम है ना अलग अलग स्ट्रीट फूड भी खाएंगे। चलो देखो यहाँ पे कितने मस्त मस्त शूज एंड सैंडल्स हैं। मैं ये वाला देख, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, रुको मैं ट्राई करके देखती हूँ। ये वाला कलर अच्छा है, ग्रीन वाला या पिंक वाला? तो अभी हम लोग है ना ये अंकल के शॉप पे जा रहे हैं, यहाँ पे ना बहुत सारे शूज सैंडल्स वगैरह मिल जाएंगे, तो हम यहीं से ले लेंगे। और हमें नहीं पता था कि अभी अंकल हमें लूट लेने वाला है। चलो देखते जाओ आगे। पापा को हमने कहा कि हम अब भी आते हैं एक चप्पल लेके, और पापा बाहर ही रुक गए। देखो यहाँ पे देख लेंगे हम, हमारे लिए बहुत सारी हर चीज है मेरे पास, जो मांगेंगे मिलेगा। वो देखो वो दो दो पसंद आ रहे हैं मुझे, जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। ये ब्लैक वाले अंकल लूज हो रही है। इस साइड टाइट दे दो। हाँ। इसका ब्लैक का एक साइड टाइट दे दे, पैंट दे दे, मान लीजिए ये। ऐसे ट्रांसपेरेंट वाले भी हील्स ले लेते हैं ना, वैसे भी हमारी सिटी में ऐसी हील्स नहीं मिलते ना। देखते पहले ये तो पसंद कर ले, फिर लेते हैं। हाँ ये देखो, ये दोनों मुझे पसंद आ रहे हैं। देखते और ले लो बेटा, उसमें भी साइड टाइट लो। अच्छा लो बच्चे। अंकल मैं पहन लेती हूँ। नहीं बेटा मेरी घर पे आप ही लेते हैं बेटा। देख ये वाले कैसे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बेटे मेरी होलसेल शॉप है, जिस शोरूम में हमारा सप्लाई होता है। ये देखो ये ट्रांसफर वाली कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। मम्मी बताओ, गर्ल्स आप सब लोग भी बताओ, क्योंकि हमारी सिटी में ऐसी हील्स मिलते नहीं है ना, तो मुझे एक ऐसी भी लेनी है।
ये सर्विस पे मैच हो जाती है सब सब पे जाएगा। अंकल आपको ये मेरी मम्मी नहीं लगी? नहीं फिर सिस्टर लग रही बड़े ये ली। देखो मैं स्नीकर्स भी देख रही हूँ, ये बहुत बढ़िया स्नीकर्स, ये कलर भी अच्छा है ना मम्मी, ये देखो ये वाला एक स्नीकर्स अच्छा है ना। हाँ तो ये वाला एक बार पहन के देख लेते हैं। देखो ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, कौन सा स्नीकर्स अच्छा है? गर्ल्स आप भी बताओ, मम्मी आप भी बताओ, दोनों भी अच्छे लग रहे हैं मुझे। हम इतने सारे शूज सैंडल्स स्नीकर्स ले रहे, पापा बोलेंगे कैसे लेके जाना है हमें। तो हमने टोटल 9 फुटवेयर्स लिए एंड सब फुटवेयर्स की प्राइस 400 से 600 रुपीज के बीच में, और इन सब 9 फुटवेयर्स का बिल हुआ 4,800 रुपीज। देखो हमने कितने सैंडल्स स्नीकर्स खरीदे। तो फिर इन सब में झोल कैसे हुआ? तो ये जो अंकल है इन्होंने हमें सारे फुटवेयर्स कैरी बैग में बांध दिए, और फिर हम जब काउंटर पे गए और काउंटर पे जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि फिर से कैरी बैग खोलो और दिखाओ मुझे, और हमने तब ध्यान ही नहीं दिया और उन्होंने एक बॉक्स गायब कर दिया और हमें ये बात पता ही नहीं चली और हम खुशी से बाहर निकल आए। ज्यादा शॉपिंग कर ली हमने, चलो वो उधर है, पता नहीं पापा क्या बोलेंगे अभी। दुकान खोलने के क्या उधर उधर नहीं मिल रहे, इतना सारा ले जाके नहीं 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 खोलनी नहीं है, वो हमारे लिए है पप्पा। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ट्रॉली बैग, देखो कितने सारे ऑप्शन है यहाँ पे। स्ट्रीट मार्केट में आपको बार्गेनिंग करना आना चाहिए, फिर आपको हर चीज सही प्राइस में मिल जाएगी। ये देखो ये वाली कितनी मस्त है, देखो ये रेड वाली बैग कैसी लग रही है। तो देखो हमने ये ट्रॉली बैग भी ले ली है, ये अभी हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। हाँ ठीक है पापा बाय। देखो कितने मस्त मस्त एयरिंग्स है गर्ल्स, अच्छा है ना। देखो यहाँ पे 100 रुपीज में लेगी मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे कितने मस्त मस्त नाइट ड्रेस है, 400-500। कौन सा कलर अच्छा लग रहा है मम्मी आपको, रेड पिंक या पर्पल? पिंक वाला अच्छा। पिंक वाला ठीक है ले लो। चलो तो मम्मी ने ना उनके लिए दो नाइट ड्रेस भी ले लिए, एक तो ये ब्लू वाला और एक ये पिंक वाला। चलो अभी अभी है ना मेरे लिए कुछ देखते हैं, मम्मी के लिए दो नाइट ड्रेस ले लिए। ये मैं क्या देख रही हूँ, क्या ले रहे हो आप? मम्मी समोसा खाऊंगा। मुझे भी खाना उसी में। चलो मम्मी तुमको भी खाने दो ना पप्पा। तुम मोमोज मेरे मोमोज को टाइम लगेगा, रुको आ रहे अभी हम लोग आए मेरे लिए ड्रेस लेने 15 अगस्त के लिए, मैं लाल किले पे जाने वाली हूँ ना, उसी के हिसाब से मेरे लिए ड्रेस लेने वाली। देखो यहाँ पे कितने सारे गाउन्स हैं, बट इतने हैवी गाउन ऑटो में मेट्रो में मैं कैसे कैरी करूँगी, इसलिए फिर हमने सोचा कि हम एक मस्त वाली साड़ी ले लेते हैं। अभी है ना मैं ये साड़ी पहन के देख रही हूँ, मुझे अगर अच्छी लगती है तो फिर हम ये ले लें। पसंद आई तो ले लो, ये है आपका 38। तो देखो मैंने ना फाइनली ये वाली साड़ी ले ली, ये क्या है ना ये सबसे हटके है साड़ी, बाकी सब तो नॉर्मल है लेकिन ये वाली ज्यादा अच्छी लगी मुझे और मम्मी को, तो हम ये वाली फाइनल करते हैं। देखो हम यहाँ पे ना हेयर बैंड ले रहे हैं, कितने सारे अलग अलग है यहाँ पे, बहुत मस्त मस्त है, ये एक ट्राई कर रही हूँ मैं। ये यहाँ पे लगाना है या पूरा ऊपर? यहीं पे लगाना है। देखो कैसा है ये वाला हेयर बेल्ट बताओ, एक सेकंड ये पकड़ो पकड़ो ये वाला, देखो अच्छा है ना गर्ल्स, यहाँ पे हेयर बेल्ट बहुत मस्त है, ये वाला देखो।
लोग होटल में और बाप रे बहुत थक गए है ना मम्मी, कितनी भीड़ होती है मतलब मार्केट में, और ऊपर से गर्मी इतनी है ना दिल्ली में कि क्या बताऊँ, बहुत भयंकर लेवल की गर्मी है। हो हालत ख़राब हो जाती है शॉपिंग करते करते, लेकिन कोई बात नहीं, फुल शॉपिंग तो हो गई हमारी, नहीं मतलब पूरी नहीं हुई, आधी शॉपिंग समझ लो, है ना मम्मी। बैग तो मिल गई ना अच्छी। हाँ बैग मिल गई, और क्या चाहिए हमको, कल होटल चेंज करेंगे हम प्लीज, मतलब जो रूम में लाइट्स हो ना वैसा होटल देखेंगे, इसमें लाइट्स ही नहीं है। पापा बहुत गुस्सा करेंगे, बार 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 होटल चेंज कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी थी हमारी करोल बाग की शॉपिंग। तो और क्या बोलती हो गर्ल्स, एक सरोजनी नगर मार्केट की शॉपिंग हो जाए? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।